हेलो गाइस, वेलकम टू एफ होप, माइसेल्फ संगम पाल। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही, कल से आईबीपीएस पीओ का प्रीलिमिनरी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अभी बच्चों का मन में सवाल है कि सर, इस साल में मैंने जो भी एग्जाम दिया है, प्रीलिमिनरी एग्जाम कोई भी क्लियर नहीं हुआ है, तो थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ। तो मैं उन बच्चों का यही बोलूंगा कि जो आपका हो चुका है, दैट इज योर पास्ट। पास्ट को लेके मत बैठिए, इससे आपका क्या होगा, फ्यूचर खराब होगा। मैं बोलूंगा जो पास्ट जो चला गया चला गया, अभी आपको फ्यूचर को ठीक करने के लिए प्रेजेंट को अच्छा कीजिए। एंड सबसे बड़ा बात जो आप लोगों को कल गुड न्यूज मिल गया होगा कि आईबीपीएस पीओ का वैकेंसी 1500 इंक्रीज हो गया है। आई थिंक प्रीलिम्स एग्जाम से पहले इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो मैं वही बोलूंगा कि कुछ भी टेंशन मत लीजिए, आराम से खुद को एग्जाम के लिए रेडी कीजिए। एंड दूसरा बात, मेन बात, कि कुछ कुछ यूट्यूब में इलॉजिकल वीडियोस मिलेंगे आपको कि हाउ टू गेट आईबीपीएस पीओ में 80+। तो ये सारा चीजों से खुद को दूर रखिए, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम पैटर्न होता है ना, डिफिकल्टी लेवल होता है ना, आप अगर लास्ट 5 to 6 ईयर का कंपैरिजन करोगे तो वो मॉडरेट होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, मॉडरेट होता है। तो उसमें बच्चों का अटेम्प्ट ही 75+ होता है, ठीक है। एंड अगर लास्ट 3 ईयर का कंपेयर करोगे तो वहां का जो कट ऑफ था वो 60 क्रॉस नहीं किया, जहां पे वैकेंसी 4000+ था। तो अननेसेसरीली खुद का माइंड में बिठा लेना कि मुझे 80 लाना है, ये कुछ सेंस क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। आपका सिर्फ माइंड डिस्टर्ब करेगा। इस ईयर का अगर वैकेंसी के साथ मैं कंपेयर करूं तो पेपर का लेवल अगर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में वही सेम रहा तो कट ऑफ 60 क्रॉस होने का चांसेस बहुत कमती है। एंड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ हूं जिसमें आप इजीली विदाउट टेकिंग एनी रिस्क किस तरह आपको 60 मिल सकता है। आप लोग जाइए वो वीडियो चेकआउट कीजिए। एंड उसके साथ साथ मैं यही बात बोलूंगा कि खुद को ज्यादा पैनिक मत कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए, अटेम्प्ट करने का टाइप में कूल रह के अटेम्प्ट कीजिए, डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। कल के लिए मेरी तरफ से हर बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट देके आइएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।